आपको पता है आपके बिजनेस का पर्पस क्या है? अभी भी ना हम ये सोच रहे हैं कि हमारे बिजनेस का पर्पस है पैसा, पैसा कमाना, पैसा। कोई ऐसा तरीका बताओ, आजकल कौन सा बिजनेस चल रहा है? सुना है खाने पीने का बड़ा चल रहा है, करना क्या है, परांठे बनाओ बढ़िया से, नहीं तो छोले भटूरे, स्विगी से टाई अप करो। लोग ना हाइजेनिक अनहाइजेनिक छोड़ो, संडे का दिन हो, छोले भटूरे तो खास करके नारंग कॉलोनी जनकपुरी वाले तो खाएंगे ही खाएंगे। ओके, यानी कि छोले भटूरे की हमने दुकान खोल दी क्योंकि इतने के होंगे, इतने का बेचेंगे, उससे इतना पैसा बचेगा। अब कौन सी प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हो? मैं ये नहीं कह रहा कि छोले भटूरे नहीं बेचने चाहिए, वो हमारी खास नीड फुलफिल कर रहा है, हमारी इंजॉयमेंट की, सेलिब्रेशन की, हमारी चीट डे की है, जो भी है हमारी खुशी को वो प्रोवाइड कर रहा है। हम बनाते हैं, खाते हैं। और मेरे जो एक हेल्थ कोच हैं, आप जानते ही हो अमिंदर सिंह जो है, वो कहते कुछ भी खा लो कोई फर्क ना पड़ता, ये ड्रामा बना रखा है सारा का सारा, ये खाना वो खाना, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। हाँ ठीक है, डिसिप्लिन चाहिए, जितना इनटेक है उतना एक्सरसाइज कर रहे हैं क्या, उतना हम एफर्ट कर रहे हैं क्या? जब मैन वर्सेस वाइल्ड के अंदर वो तो पता नहीं चूहा बिल्ली मगरमच्छ क्या खा जाता है। तो यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर ये नहीं था, पॉइंट यहाँ पर ये था कि बिजनेस का पर्पस क्या है, मनी मेक करना है या ट्रस्ट मी माय डियर फ्रेंड, ट्रस्ट मी, मनी ना आपके बिजनेस का बाय प्रोडक्ट है। एक बार देखो उन सभी बिजनेसेस को, हम जियो का मोबाइल शुरू में ले ही रहे थे जियो का मोबाइल, वो एक आधार कार्ड पे 5-5 नंबर दे रहा था पर डे, इतने जीबी डाटा, तो वो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा था जब इंटरनेट की रिक्वायरमेंट थी। तो उसने नीड को आइडेंटिफाई किया, सोल्व की, उसके ऊपर बिजनेस मॉडल लगाया, 200-300 रुपये पर मंथ करके उसने रिकवर करना शुरू कर दिया। उसको धंधे की समझ है, लेकिन उसका पर्पस क्या था कि एग्जैक्टली वो कौन सी नीड है जिसको मुझे फुलफिल करना है। पैसा तो बन ही जाएगा, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद मी कि पैसा तो बन ही जाएगा? आज ना पक्के कर लो ये सारे के सारे सिद्धांत, ये सिद्धांत पक्के कर लो।